कनाडा आज खालिस्तानियों का पनाहगाह बन गया है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं पीएम जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो का भी हाथ है। पियरे ट्रूडो भी खालिस्तानियों को लेकर भारत की खिलाफत करते रहे हैं। यही वजह है कि आज खालिस्तानी कनाडा को अपने लिए सबसे सुरक्षित जगह मानते हैं। वे जानते हैं कि उनके लिए कनाडा का प्रधानमंत्री भारत पर सीधे सीधे आरोप तक लगा सकता है। दरअसल कनाडा में राजनीति से लेकर व्यापार तक लगभग सभी क्षेत्रों में खालिस्तानी अपना दखल रखते हैं। ऐसे में खालिस्तानियों का प्रभाव कनाडा में बढ़ता जा रहा है। भारत ने 6 साल पहले ही कनाडा के खालिस्तानी प्रेम को उजागर कर दिया था और अलगाववादी आतंकियों की सूची सौंप दी थी, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। भारत का कहना था कि आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने वाले करीब 9 अलगाववादी संगठनों ने कनाडा में अपने ठिकाने बना लिए हैं। 2018 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो को निज्जर जैसे 10 आतंकियों के नाम बताए थे। इतना ही नहीं, भारतीय एजेंसियों और पंजाब सरकार ने खालिस्तानी समर्थकों पर कार्रवाई न किए जाने पर कनाडा सरकार की ढिलाई पर नाराजगी भी जाहिर की थी। भारत का कहना था कि विश्व सिख संगठन, खालिस्तान टाइगर फोर्स, सिख फॉर जस्टिस और बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे खालिस्तान समर्थक संगठन पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं और कनाडा की धरती से खुलेआम अलगाववाद फैला रहे हैं। भारत ने कनाडाई सरकार को डोजियर के कई सेट सौंपे थे। साल 2018 में जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत दौरे पर आए थे, तो पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें 10 ऐसे लोगों की सूची सौंपी थी जो कानूनी प्रक्रिया से बचकर भाग गए हैं। इनमें मलकीत सिंह उर्फ फौजी, गुरप्रीत सिंह, हरदीप सिंह निज्जर, गुरपतवंत सिंह पन्नू और गुरजीत सिंह चीमा का नाम शामिल था। इन भारत विरोधी तत्वों पर आतंकवाद में शामिल होने के गंभीर आरोप लगे हैं। बहरहाल, भारत ने सोमवार को कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है और कनाडा से अपने उच्चायुक्त और निशाना बनाए जा रहे अन्य राजनयिकों और अधिकारियों को वापस बुलाने की घोषणा की। अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच से भारतीय राजनयिकों को जोड़ने के कनाडा के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए भारत ने ये कार्रवाई की है।